हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 44 तक के गिव रीजंस का आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बच्चों तीन वीडियोस डाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो देखा है आप लोगों ने, हुआ है देख के कुछ या सीधा टपके हो 31 से 44 पे? अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाओ पहले वो देख लो भाई, तो तुम्हारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स हो जाएंगे और अभी के जो बचे कुछ चुंगू मुंगू चैप्टर्स है एंड वाले, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन बच्चों लेट मी टेल यू, जो उसके जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक के जो क्वेश्चन थे ना, तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से थे, तो वो आप लोगों के लिए ईजी हो गया रहेगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि अभी के जो वीडियोज है ना, मतलब अभी के जो चैप्टर है ना, तो के जो क्वेश्चंस हैं ये तुम्हारे एक्सरसाइज क्वेश्चन में नहीं है मोस्टली, तो आप लोगों को खोज खोज के पढ़ना पड़ेगा। एंड आई हैव चेक दैट बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके रेफरेंस बुक्स में भी नहीं है, मतलब डाइजेस्ट में भी नहीं है, टारगेट में भी नहीं है, तो वैसे क्वेश्चंस आपको सिर्फ उनका जवाब आपको अपने टेक्स्ट बुक से मिलेगा, तो इसीलिए आई ऑलवेज प्रेफर योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो आई वॉन्ट वेस्ट अ सिंगल मिनट नाउ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस वीडियो टू बी टू लॉन्ग, क्योंकि आप लोग को ही बोर होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने वो तीन पार्ट के वीडियोज नहीं देखे हैं या आप लोग उनको कुछ पता नहीं है, तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और यहाँ पे ऊपर आई बटन है ना, वहाँ पे भी आएगा, तो वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और एक बच्चों मैं बता दूँ कि मैंने रिसेंटली स्ट्रैटेजी वीडियो भी डाला है, बट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच दो स्ट्रैटेजी एंड आई डोंट नो कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे अभी तक के बहुत कम लोगों ने बताया है कि स्ट्रैटेजी फॉलो उनका चल रहा है। भाई तुम्हारा कैसा चल रहा है स्ट्रैटेजी? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को पूछो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो मेरा, वहां पे मुझे आके पूछो, कहीं पे भी भाई, मेरा नंबर भी है, सब कुछ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। सो ओके, तो ये चीज हो गई जानकारी की बात, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो विच इज क्वेश्चन नंबर 31। लेट्स गो। चलिए, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 30 तक के पूरा हो गया था, हम आ रहे हैं 31 पे, विच इज माइक्रोबियल एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली। माइक्रोबियल एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली, ये किस चैप्टर में है बच्चों? 29 से लेके 34 तक के सारे क्वेश्चंस आपके इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के चैप्टर्स में से है। तो लेट्स मूव ऑन टू इसका आंसर। इसका आंसर तुम्हारा है पेज नंबर 80 पे, तो चलिए जाते हैं। ये है आपका पेज नंबर 80, आपको पूछा गया है क्या माइक्रोबियल एंजाइम are eco-friendly, इसका रीजन दीजिए। Yes, they are eco-friendly. तो हम पहुंच गए हैं microbial enzymes के पैरा में। यहां पे आप लिखोगे कि microbial, in case of microbial enzymatic reactions, elimination and decomposition of waste material is avoided and enzymes can be reused, hence such enzymes are eco-friendly. See, बच्चों देखो, तुम लोग इसमें कैसे लिखोगे मैं आपको बता रही हूँ। अब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसमें लिखना कैसे, इट इज वेरी सिंपल, अपने को ओन वर्ड से सिर्फ उसको फ्रेम करना है, कॉन्टेंट तो अपने को टेक्स्ट बुक से उठाना है। तो पहले तुम लोग लिखोगे माइक्रोबियल एंजाइम्स है क्या। माइक्रोबियल enzymes are used in chemical industry, ठीक है, these उनके benefits लिख लो। these enzymes are low at are active at low temperature, pH and pressure due to which energy is saved, and ये सब आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने इसमें मेन आंसर में मार्क नहीं किया है। दिस इज एडिशनल। इफ anyone wants to add some point, you can write. आप microbial enzymes का पहले इंट्रोडक्शन दे दो जिसमें आप ये दो पॉइंट लिखोगे जो मैंने ये मार्क किया। ठीक है, कि microbial enzymes are used in chemical industry, they are the enzymes which are active at low temperature, low pH, है ना, सो इवन एट लो प्रेशर। तो केमिकल जो कैटलिस्ट वगैरह होता है ना, तो ये लोग वैसे एक्टिव नहीं होते हैं, तो माइक्रोबियल एंजाइम्स आर एक्टिव। तो ये है माइक्रोबियल एंजाइम। नाउ अब माइक्रोबियल एंजाइम्स में होता क्या है, एलिमिनेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज अवॉइडेड एंड एंजाइम्स कैन बी रीयूज, मतलब ये जो माइक्रोबियल एंजाइम्स हम जो केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इनको अगर एक बार हमने यूज कर लिया तो ऐसा नहीं कि कचरा बन गया अभी इसको फेंक दो, या अभी ये इसका यूज हो गया तो इसको हम लोग कहाँ डिकम्पोज करेंगे, भाई ये सब टेंशन अपने को नहीं लेना है। ठीक है, अब जैसे कोई केमिकल्स हम यूज करते हैं ना, तो अपने को टेंशन रहता है भाई अब इसका यूज तो हो गया, लेकिन इसको हम लोग ऐसा खुले में कहीं पर भी फेंक नहीं सकते, कुछ भी रिएक्शन कर लेगा, कुछ भी हो जाएगा। तो माइक्रोबियल एंजाइम्स में ये नहीं होता है बच्चों, इसका एलिमिनेशन एंड इसका डिकम्पोजिशन है ना, जो इसका वेस्ट, इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इट इज अवॉइडेड बिकॉज एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड, हेंस माइक्रोबियल एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली। सो बच्चों जिनको अपने आंसर में कुछ पॉइंट्स ऐड करना है, यू कैन ऐड दीज टू पॉइंट्स ऑल्सो, एंड दिस इज द मेन पार्ट।
अंडरस्टूड। एंड अगर किसी और को थोड़ा और ऐड करना है तो आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो माइक्रोबियल एंजाइम्स के, जो यहाँ पे है। जितना याद मतलब जितना भी याद आता है, ऑक्सीडेशन याद कर लो तो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, ट्रांसफरेसिस, हाइड्रोलेसिस, सब एसेस 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 एंड में है। तो दो तीन नाम याद कर लो, एग्जामिनर को भी मजा आएगा चेक करने में आंसर यार क्या लिखा है ना। तो बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 इज अ बायोफ्यूल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। पेज नंबर 82 में है इसका आंसर। लेट्स मूव ऑन। बायोफ्यूल इट इज अ इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। यस, बायोफ्यूल क्या है, कहाँ है भाई? यहाँ है भाई। ये जो बायोफ्यूल का छोटू सा पैराग्राफ है ना, ये पूरा तुमको लिखना है। अब बोलोगे मैम ये पूरा लिखते बैठे, अरे इसमें से पॉइंट्स तो छांटने हैं, क्या लिखना है? देखो पहले तो तुम बायोफ्यूल का इंट्रोडक्शन दोगे कि बायोफ्यूल इज इम्पॉर्टेंट अमंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी। व्हाई? बिकॉज इट इज अवेलेबल इन 3 types, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड किस फॉर्म में? कोल, डंग, क्रॉप रेसिड्यू, ये सॉलिड है, दिस इज अ बायोफ्यूल। लिक्विड में वेजिटेबल ऑयल्स, एल्कोहल्स। गैसेस फॉर्म में गोबर गैस, कोल गैस, ये सब। ठीक है ना, दीज फ्यूल्स आर इजीली अवेलेबल। इसको क्यों बोला गया? क्वेश्चन पहले समझो बच्चों, कुछ भी फेकम फाकी नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है। क्या क्वेश्चन बोला गया? बायोफ्यूल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। बच्चों सी, ये वीडियो लंबा जाता है, बहुत बच्चे देखते नहीं है क्योंकि लंबा है। इट्स योर लॉस, फ्रेंकली बोलते हुए इट्स योर लॉस। नो वन विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बैंक के आंसर्स ना कोई तुमको एक्सप्लेन नहीं करेगा बेटा, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ाया जाता है ना तभी एक्सप्लेन कर दिया जाता है। बट मैंने सोचा चल ठीक है, एटलीस्ट जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कुछ तो समझे। सिर्फ रटेंगे तो कितने क्वेश्चन तुम रट लोगे भाई, और कितने सब्जेक्ट्स के रट लोगे, है ना। सो माई अल्टीमेट मोटिव बिहाइंड प्रिपेयरिंग दिस वीडियोज इज भाई कि तुम लोग ये समझ के पढ़ो ये क्वेश्चन बैंक, सो दैट अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको याद ना करना पड़े कि ये कहां था, किस में क्या लिखूं मैं, क्योंकि कंफ्यूजन पक्का होने वाला है। साइंस 2 में इतने सारे, साइंस 1 में इतने सारे, इंग्लिश में इतने, मैथ्स में इतने, तो भाई सब रट नहीं सकते हो, राइट? तो बस यही रीजन है, ये मैं हर एक आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करती हूं भाई। थोड़ा तो मेहनत की कदर करो, और अगर पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भर भर के शेयर करो। बच्चों जितना आप शेयर करोगे उतना मुझे सपोर्ट मिलेगा और उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे का नेक्स्ट वीडियो बनाने का। एंड आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के थोड़े व्यूज कम है, बट पार्ट 1 एंड 2 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है बच्चों। थैंक यू सो मच एवरी वन, दोज हू हैव शेयर्ड माई वीडियोज एंड दोज हू हैव गिवन अ लाइक एंड कमेंटेड ऑन द वीडियोज, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। एटलीस्ट उतना तो किया आपने, तो बस मतलब दिल से खुशी मिलती है यार जब कोई करता है तो, और मतलब जब सपोर्ट नहीं करते तो बहुत दर्द होता है। तो बच्चों थोड़ा तो सपोर्ट कर लो यार, ठीक है? बस यही है कारण तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने का, ठीक है? तो चलिए, तो हम इस बायोफ्यूल के बारे में हम यही लिखेंगे भाई, रिन्यूएबल है मतलब वो बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत क्वांटिटी में है ना। तो बस इसीलिए, एंड दीज आर वेरी रिलायबल फ्यूल्स, हम इन पे डिपेंड कर सकते हैं। गोबर गैस कितना अच्छा है, नो पॉल्यूशन, नथिंग, कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो बस तुमको यही लिखना है, बायोफ्यूल क्या है, बायोफ्यूल के टाइप्स क्या है, और उसका क्वालिटी, उसका एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस में ये 3 चीज आएंगे, इजीली अवेलेबल, अवेलेबल इन प्लेंटी, एंड रिलायबल फ्यूल फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में भी खत्म होने का चांसेस नहीं है। अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इज द लैंडफिल पिट इज लाइंड विद प्लास्टिक शीट्स। अगर किसी ने वो चैप्टर का वो वाला पार्ट, लैंडफिल वाला पार्ट अच्छे से किया है ना, तो ये तो एक लाइन का आंसर है भाई। लैंडफिल पिट इज लाइंड विद प्लास्टिक शीट्स। पेज नंबर 83 पे चलते हैं, मैं आपको ये समझा दूंगी, कभी भूलोगे नहीं आप। ये जो दिख रहा है आपको मॉडर्न लैंडफिल साइट बच्चों, तो ये होता है मतलब बड़ा सा खड्डा एकदम खोदा जाता है और उसमें कचरा ये सब डाला जाता है, सो दैट उसमें से बोलते हैं ना कि अपना जो अच्छा फ्यूल है ना, कंपोस्ट वगैरह बन पाए, तो लैंड फिलिंग साइट्स उसको बोलते हैं हम लोग। अब लैंड फिलिंग साइट्स में ये खड्डा खोद दिया, इसके अंदर कचरा डाल दिया, देखो दिख रहा है ये सब गार्बेज है। अब उसके ऊपर सॉइल का कवर लगा दिया, लेकिन सब करने के बाद बच्चों आजू बाजू पूरा हम लोग प्लास्टिक के थैली से
अभी देखो जो खड्डा खोदा जाता है ना बच्चों, ये सब चुन्नू सा खड्डा नहीं होता, वो होता है बहुत बड़ा एरिया। तो ऐसे जो लैंड फिलिंग साइट्स होते हैं ये अपने रेसिडेंशियल एरिया से काफी दूर होते हैं ताकि उसका स्मेल वगैरह हमको ना आए। तो ये बहुत बड़ा खड्डा होता है और उस खड्डे के अंदर कचरा, जितने पूरे एरिया का कचरा उसमें डंप किया जाता है, और फिर उसके ऊपर पूरे सॉइल के लेयर एंड ये सब, क्योंकि वो कंपोस्ट बनना, डीकम्पोज होगा ना, तो सोचो कितना गंदा वास आता है। तो कभी कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई एक सेक्शन से, कोई एक एरिया से बहुत गंदा वास आता है, तो समझ जाना वहां पे कोई लैंड फिलिंग साइट है, वहां पे कंपोस्ट बनने का है, तैयारी चल रहा है। तो बच्चों वहां पे जो एरिया के आसपास ना पूरा प्लास्टिक शीट्स लगाया दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वो जो लैंड फिलिंग जो साइट होगा ना बच्चों, वो इतना डिकम्पोज करके रिएक्शन करेगा, वी डोंट वॉन्ट दैट हार्मफुल मटेरियल टू लीच आउट टू दूसरा सॉइल्स। समझ में आया क्या? ये एक एरिया, एक बड़ा सा एरिया मैंने ले लिया, खड्डा खोद दिया, सब कुछ कर दिया, अब क्या होगा कि मैं नहीं चाहती कि ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन चल रहा है ना, ये मेरे बाहर के और अच्छे सॉइल्स पे ना जाए, क्योंकि वो यार वहाँ पे कुछ अच्छा, कुछ कुछ और हो सकता है ना, क्यों ये सब सारा पूरा रिएक्शन वहां चले जाए। इसीलिए भी कवर द एंटायर लैंड फिलिंग साइट विद प्लास्टिक शीट्स। अंडरस्टूड? तो बस यहीं से उठाना है तुमको। लार्ज पिट्स आर डग इन ओपन स्पेसेस फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरियाज एंड दोज पिट्स आर लाइंड विद प्लास्टिक शीट्स। व्हाई? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट पल्यूशन ऑफ सॉइल ड्यू टू लीचिंग ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटेरियल्स। मतलब कौन से सॉइल का पल्यूशन नहीं होना चाहिए बच्चों? खड्डा तो मैंने यहाँ खोद दिया, मैं चाहती हूँ कि चल ठीक है ये सॉइल खराब हो रहा है इतना मेरे को चलेगा, लेकिन आई डोंट वॉन्ट इस एक खड्डे की वजह से मेरे बाकी के सॉइल भी खराब हो जाए। समझ में आया? तो आई डोंट वॉन्ट दी अदर सॉइल्स टू गेट पल्यूटेड ड्यू टू दिस टॉक्सिक मटेरियल। सो द प्लास्टिक शीट्स आर राउंडेड अराउंड द लैंड फिलिंग साइट्स। समझ में आया? तो मेन आंसर आपका क्या है? वी डोंट वॉन्ट इट इज द प्लास्टिक शीट्स आर यूज एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट पॉल्यूशन ऑफ सॉइल। किसके वजह से पॉल्यूशन होगा? ड्यू टू लीचिंग ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटेरियल्स। खत्म। लेकिन हम अगर इतना सा पॉइंट लिखेंगे तो हमको कोई 2 मार्क्स देगा नहीं बच्चों। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 4 पॉइंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे लैंड फिलिंग साइट कहाँ कर दिया जाता है, एक बड़ा सा खड्डा खोदने का रेसिडेंशियल एरिया से दूर, और उसके बाद थोड़ा सा है ना उसको फ्रेम करो कि हम प्लास्टिक शीट्स लगाते हैं क्योंकि प्रिकॉशन लेना है हमें, अमका टिमका ऐसा करके। ये है तुम्हारा आंसर। अंडरस्टूड? आई होप मेरा अल्टीमेट जो मेरा गोल है कि तुमको समझना चाहिए भाई, लिखने का काम मतलब फेंकने का काम तुमसे अच्छा कोई कर नहीं सकता है। हर जगह तुम फेंक के आते हो, तो यहाँ भी तुम अच्छे से फेंकना, लेकिन ऐसे फेंकना कि तुम्हारा वैलिड कंटेंट रहे, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहानी इधर का कहानी उधर। ठीक है? तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। चलो चलते हैं 34 क्वेश्चन पे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ सी ऑयल स्पिल्स। बच्चों ऑयल स्पिल्स जो बड़े बड़े ओशंस एंड ये जो ओशंस एंड रिवर्स में ऑयल स्पिल्स हो जाता है, मतलब इंडस्ट्री से ऑयल रिलीज हो जाता है, केमिकल कुछ निकल गया, कभी कभी शिप में भी केमिकल्स होते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं, तो पूरे ओशंस में ऑयल स्पिल्स हो जाता है। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे काम आते हैं? लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 84 एंड दिस इज योर आंसर। Let's move on to here. ये आपका जो पैरा है ना बच्चों 84 में, स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आपको क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द इफेक्ट्स ऑफ ऑयल स्पिल्स। यस, सी स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल अकर्स इन ओशन ड्यू टू वेरियस रीजंस। तुम लोग गूगल सर्च कर सकते हो कैसे क्यों होता है ना। अब क्या, अब ये ऑयल जैसे ही पूरे ओशन पे गिर गया भाई, कितने एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं आप सोचो, पूरे पानी में ऑयल जा चुका है, तो उनके लिए ऑक्सीजन बचेगा कुछ? ऑक्सीजन बचेगा कुछ ब्रीथ करने के लिए? नहीं बचता है। देन द एक्वेटिक एनिमल्स डाई इनसाइड द वाटर, उनको कुछ नहीं मिलता ना, सब खराब हो जाता ना। सो द ऑयल proves fatal, मतलब बहुत ही खतरनाक है, and toxic to aquatic organisms. It is not easy to remove the oil layer from surface of water by mechanical method. हम कोई mechanical method use करके, very difficult, बहुत difficult है, छलनी लगाओगे oil निकालने के लिए, कोई भी method use कर लो बहुत difficult है, इतना बड़ा ocean है कितना oil निकालोगे। तो क्या किया जाता है, उस जगह पे डाल दिया जाता है bacterias, माइक्रोगैनिजम्स। अब कौन से बैक्टीरियाज? ये हैं तुम्हारे एग्जाम्पल्स। अब इस आंसर में बच्चों अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, रिमेम्बर दैट। मैं बहुत फटाफट बोल रही हूँ, मेरा गला भी दुख रहा है, लेकिन माफ करो यार मेरे को ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि इसमें मैं 14 क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, 10 नहीं 14। ठीक है? तो चलिए, तो यहाँ पे आपको ये बैक्टीरियाज के नाम लिखने हैं। सुडोमोनास एसपीपी, अल्कैनोबोरैक्स,
बर्कुमेंसीज, तो आप हाथ पैर मारो, कुछ भी करो, लिखो 10 बार लिखो, लेकिन नाम रटो, ठीक है? नाम तो इस चैप्टर में रटना ही पड़ेगा आपको. तो ये डाल दिया जाता है बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द पाइरिडीन्स एंड अदर केमिकल्स. अब ऑयल्स जो बनते हैं ना बच्चों, पाइरिडीन से बनते हैं. पाइरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स हमने पढ़ा था हेरिडिटी में, डीएनए में. तो ये जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, तो ऑयल में केमिकल बॉन्ड्स बनता है ना, तो वो बॉन्ड्स को तोड़ने का काम ये बैक्टीरियाज करते हैं, और ऐसे करके वो पूरा ऑयल डिस्ट्रॉय हो जाता है बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द पाइरिडीन्स पाइरिडीन्स पाइरिमिडीन्स ये सब. समझ में आया? दिस इज द आंसर. अंडरस्टूड? समझ गया ना क्या करना है भाई, कैसे होता है? चलिए, वीड कंट्रोल प्लांट्स आर बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर. पेज नंबर 92, ये नया चैप्टर शुरू हो चुका है आपका, इंट्रो टू माइक्रोबायोलॉजी खत्म यहाँ पे. वीड कंट्रोल प्लांट्स आर बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर. यस भाई, यस. 92 पे चलते हैं. हाय राम, थोड़ा ब्रेक ले लिया बीच में स्विच करते करते. देखना बच्चों यार, इतना मेहनत से बना रही हूँ, सच में कसम से बोल रही हूँ. वीडियो नहीं देखोगे, लाइक नहीं करोगे तो बहुत बहुत दुख होता है यार मेरे को, सच में बोल रही हूँ. लाइक करो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो कर लो भाई. बच्चों तक पहुंच नहीं पा रहा क्योंकि मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है ना, तो इसलिए. बट कोई नहीं, तुम लोग पहुंचा दोगे, मुझे पता है. अभी 92 किधर है? आ गया. चलिए, तो ये आपका, हाँ, 35. यस, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट जो है ना बच्चों, पैरा, ये है तुम्हारा आंसर. क्या बोला है भाई, जो वीड कंट्रोल प्लांट्स होते हैं ना, अब दिमाग में एक चीज रख लेना, चाहे तुम्हारे क्वेश्चन में आए वीड कंट्रोल प्लांट्स या क्वेश्चन में आए हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स, ये दोनों भी वर्ड आते हैं ना बच्चों, एक ही आंसर है. दोनों भी सेम है, वीड कंट्रोल प्लांट्स है, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स, ये दोनों सेम है. अब क्या होता है बच्चों, वीड्स जो होते हैं ना, ये वीड्स जहाँ हमारे जो क्रॉप को खा जाते हैं, हमारा जो क्रॉप, हमारा मतलब जो बेचारा किसान पूरा क्रॉप ग्रो किया होगा अपने खेती में, ये वीड आते हैं और उसको खा जाते हैं. अब ये वीड क्या है, ये काम तुम करोगे सर्च करने का, जिसको मालूम है ठीक है, जिसको नहीं मालूम है गूगल सर्च करो, ठीक है? वरना ये सब बताते गई तो वीडियो 1 घंटे का बनेगा. तो वीड अपने मेन क्रॉप को खा जाता है, सपोज राइस का प्लांट लगाया, उसको पूरा खा जाता है. तो अपने को क्या करना है, अपने को इस वीड को तबाह करना है. क्या करना है? तबाह करना. तो हम तबाह कैसे करेंगे? अब जिसको ये तबाह तक पहुंचे हो ना, कमेंट करना कि तुम तबाह तक पहुंच गए हो, मुझे पता तो चले कि कितने लोग पूरा वीडियो देखते हैं. ओके, सो लेट्स सी कि कितने लोग कमेंट करते हैं, ठीक है? तो मैं लाइक जरूर करूंगी. तबाह हो गए, तो इस वीड को हम तबाह करने वाले हैं. मुझे हंसी तो आ रही है बट मजा जरूर आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो जो है ना बच्चों, ये अगर मैं एकदम पकाने लगी ना, ऐसी पड़ा पड़ा के एकदम पका दूंगी तो तुम लोग ये पक जाओगे, तो मुझे पकाना नहीं है, ठीक है? मुझे बोर्ड अभी नहीं मिल पा रहा ना, तो थोड़ा मस्ती नहीं कर पा रही, बट ठीक है चलो. तो अब हम एक ऐसा प्लांट बनाएंगे जिससे हम हर्बिसाइड डालेंगे ना, तो वो वीड ही मरेगा, वो क्रॉप नहीं मरेगा बच्चों, समझ में आ रहा है? तो वो क्रॉप नहीं मरना चाहिए, बस वो वीड मरना चाहिए. तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट या वीड टॉलरेंट, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया वीड कंट्रोल प्लांट्स. अंडरस्टूड? तो बस यही करना है. तो अब तुम लोग यहाँ लिखोगे कि यस, द हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग डेवलप्ड. ये से डेवलप कर दिए गए हैं. ड्यू टू दिस इट हैज बिकम पॉसिबल टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स नॉट द क्रॉप्स. अंडरस्टूड? समझ में आया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. रिसेंटली मेड वैक्सीन्स आर सेफ. यस, पेज नंबर 93 पे चलते हैं. हाँ भाई, रिसेंटली मेड वैक्सीन आर सेफ. कैसे? वैक्सीन वाले पैरा में आ जाओ बच्चों. देखो, पहले वैक्सीन का इंट्रो देना है कि वैक्सीन क्या है. वैक्सीन इज एन एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल, ऐसा चीज जिसमें एंटीजन है, ठीक है? गिवन ईदर टू परमानेंट गिवन सॉरी गिवन टू अक्वायर इधर परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी. मतलब वैक्सीनेशन या तो परमानेंट इम्यूनिटी दे देगा जिंदगी भर, या तो टेम्पररी. जैसे अभी कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन चल रहा है, राइट? तो आई डोंट नो दैट इज परमानेंट और टेम्पररी, बट या बायोटेक अभी तक यूज नहीं किया है शायद, बिकॉज दे आर जस्ट इंजेक्टिंग पैथोजेंस ओनली, किल्ड और कंप्लीटली किल्ड और पार्शियली किल्ड. सो या, सो अभी के जो वैक्सीन है बायोटेक्नोलॉजी यूज करके किया जाता है. तो पहले तुम वैक्सीन का इंट्रोडक्शन दोगे कि वैक्सीन इज द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल गिवन टू अक्वायर इधर परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी, ठीक है? तो ट्रेडिशनली वैक्सीन वर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पैथोजेंस, बट नाउ
ये यहाँ से ऑल्टरनेटिव इतना, बट नाउ साइंटिस्ट ट्राई टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, यहाँ पे कुछ एंटीजन यूज नहीं करते हैं ये लोग, वो जो पैथोजन को मारा हुआ पैथोजन यूज नहीं करते हैं, एंटीजन गलती से बोल दिया, पैथोजन्स, तो पैथोजन यूज नहीं करते हैं वो लोग, यहाँ पे वो लोग पैथोजन का सिर्फ जीन यूज करते हैं। मतलब ये पैथोजन है, सपोज कोरोना वायरस से बचना है तो कोरोना वायरस का जो जीन हम लोग लेंगे और ह्यूमन बॉडी के जीनोम में डाल देंगे, समझ में आया क्या, जीनोम में डाल देंगे। तो अब ये बायोटेक्नोलॉजी यूज करके वैक्सीन, तो ऐसे वैक्सीन अभी बनते हैं एंड दे आर सेफ, तो यही यहाँ पे आपको दिया है। फॉर दिस पर्पस साइंटिस्ट प्रोड्यूस द एंटीजन इन लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन एंड यूज इट एज अ वैक्सीन, द सेफर वैक्सीन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। अंडरस्टूड, चलिए चलते हैं 37 पे। Concepts of body donation and organ donation have come forward. Yes, page number 90 पे चलते हैं भाई। अभी आजकल बहुत चल रहा, तुम लोगों ने सुना भी होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड ऑल सब लोग पहले से ही साइन करके रख देते हैं कि भाई मरने के बाद मेरे ऑर्गन्स ले लेना, तो दैट इज बॉडी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन ये सब होता है। बॉडी डोनेशन किया जाता है फॉर मेडिकल, जो कॉलेजेस में रिसर्च होता है ना, मरे हुए मुर्दे को लेके रिसर्च करते हैं ना भाई, इंसान पे रिसर्च कैसे होता है, वैसे ही तो लोग अपना बॉडी भी दे देते हैं जिनको, मतलब अपने परिवार को नहीं देना होता तो वो लोग अपना बॉडी भी डोनेट कर देते हैं, तो वो लोग वो स्टोर करके रखते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन इज इंक्रीजिंग, व्हाई? यस, इट इज इंक्रीजिंग, व्हाई? बिकॉज़ व्हाई डू यू नो? देखो यहां पे है तुम्हारा आंसर, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन ये वाला। इट हैज बीन रियलाइज्ड दैट मेनी ऑर्गन्स रिमेन फंक्शनल फॉर सर्टेन पीरियड इवन आफ्टर डेथ। ऐसे हम जब पता चला कि एक डेथ होने के बाद एक इंसान का कुछ टाइम के लिए कुछ ऑर्गन जिंदा रहते हैं, तो अगर उस टाइम के दौरान उस ऑर्गन्स को निकाल दिया जाए और उसको सेव कर दिया जाए विद सम केमिकल कंडीशंस, तो वो बच जाता है। अब जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, बच्चों ये सारी चीजें जो ये सारी ऑर्गन्स है ना, कोई देता, कोई डोनर नहीं होता, राइट? किडनी फेल हो गया तो दो किडनी में से कोई एक किडनी फेल हो जाता तो डोनर मिल जाता है, या तो एक किडनी पे भी इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन लिवर हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, सब सारी चीजें एक एक ही होती हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को जिसके ऑर्गन्स जिसका ना जो हेल्दी इंसान है ना, जिसका सिर्फ कोई बीमारी नहीं थी, तो उसके वो ऑर्गन्स को हॉस्पिटल सेव कर लेते हैं। तो जब से ये पता चला है, इट हैज बीन रियलाइज दैट मेनी ऑर्गन्स रिमेन एक्टिव इवन आफ्टर द डेथ फॉर अ सर्टेन पीरियड, सो सच ऑर्गन्स लाइक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन हैव इमर्ज रिसेंटली आफ्टर रियलाइजेशन दैट सच ऑर्गन्स कैन बी यूज टू सेव द लाइफ ऑफ अदर नीडफुल पीपल। समझ में आया? दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो 37 डन। 38 पे आते हैं। 38 इज स्टेम सेल्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन रीजनरेटिव थेरेपीज। बच्चों बिफोर गोइंग इनटू दिस लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू 41 वाला क्वेश्चन। ये दोनों सिमिलर है, 37 एंड 41 इज वेरी सिमिलर। व्हाट इज द 41 वाला क्वेश्चन? इट इज सम ऑफ द ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर प्रीशियस। यस, जैसे मैंने अभी कहा बच्चों कि सम ऑफ द ऑर्गन्स इज प्रीशियस, जैसे कि यहाँ पे पूरा ये पैरा में पूरा आपको दिया गया है भाई। Various organs in the human body are less efficient or completely functionless due to various reasons. जैसे आप क्या लिखोगे कि some part of the body is useful and we do not get the donors for it. For example, if the lungs gets destroyed or damaged, we don't get a donor because lungs is only one and no one can donate it, right? Liver, heart. बट इफ द किडनीज, मतलब किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी मिल जाता है, सो डोनर्स का बड़ा दिक्कत होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग ने यही लिखना है, ऑर्गन्स लाइक लिवर, हार्ट, आईज कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ ओनली। कोई जिंदा इंसान अपना हार्ट निकाल के तुमको क्यों देगा भाई, वो मर नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है, दिस हैज लेड टू द इमर्जेंस ऑफ कंसेप्ट लाइक पोस्थमस posthumous after death donation of body and organs. Even this point you can write in the 37 wala question, bachcho. So, ye 41 and 37 is very similar, very similar. Same points aapko likhne hai. Posthumous wala line aapko dalna hi hai. Ye bahut effect karega aapke answer pe. Posthumous after death. Ki chal kyun nahi raha? Haan, posthumous after death. After death wala jo organs le lete hain usko posthumous bolte hain. Understood? Chaliye next question pe chalte hain. 38 pe the. Stem cells are extremely important in regenerative therapies. Page number 89.
चलते हैं 89 पे। बच्चों देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा फॉर श्योर, बट एकदम स्टेप टू स्टेप एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना है भाई। रीजेनरेटिव थेरापी मतलब पहली बात तो भाई स्टेम सेल्स ना बहुत यूजफुल है। स्टेम सेल्स हमको कहीं पे भी मतलब हमारा कोई, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, इस चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। स्टेम सेल्स रीजेनरेट करने में काम आता है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर लिवर के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, लिवर के सेल्स को बोला जाता है हेपेटोसाइट्स, अगर उसके सेल्स डैमेज हो रहे हैं, खराब हो रहा है आपका लिवर, तो हम एक नया लिवर तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन साइंस ने इतना तगड़ा काम किया है कि हम स्टेम सेल्स का वहां पे यूज कर सकते हैं। ये लिवर है, लिवर खराब हो रहा है, तो हम स्टेम सेल्स को वो लिवर में डाल देंगे। अब ये स्टेम सेल्स किसका रूप ले लेंगे, वो लिवर सेल्स का रूप लेके नया सेल्स बनाएंगे सेल डिविजन से, तो क्या होगा फिर वो लिवर जो डिस्ट्रॉय हो रहा था वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, जो डीजेनरेट हो रहा था वो रीजेनरेट हो जाएगा। सो दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स बहुत यूज होता है भाई, बहुत यूज होता है। ये चैप्टर बहुत तगड़ा है बच्चों, मतलब पढ़ लो यार, मजेदार चैप्टर है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो आपका रीजेनरेटिव थेरेपी है, स्टेम सेल्स आर यूज टू रिप्लेस, अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको दिया है। फर्स्ट पॉइंट आप स्टेम सेल्स के बारे में लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो 88 पेज नंबर में है ना, स्टेम सेल्स के बारे में इंट्रो लिखो, क्योंकि वो छोटू सा आंसर है ना, तो इतना छोटा लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप आप लिख लोगे कि व्हाट आर स्टेम सेल्स, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है ना, प्रेजेंट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड स्टेप आप लिखना कि इट हैज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड द डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेम सेल्स, ठीक है, तो ये काम आता है। फिर थर्ड पॉइंट आप लिखोगे कि दीज स्टेम सेल्स आर यूज टू रिप्लेस द डेड सेल्स इन केस ऑफ कंडीशन लाइक डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज। ये आप एग्जाम्पल्स लिखो बच्चों। डायबिटीज मतलब आपका पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा है, राइट, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन समथिंग, सम डिजीज रिलेटेड टू योर हार्ट है ना, अल्जाइमर डिजीज जो न्यूरॉन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, लोग भूलना शुरू कर देते हैं, तो न्यूरॉन्स बनने के लिए हम स्टेम सेल्स वहां पे ब्रेन में डाल देंगे, तो वो न्यूरॉन्स बन जाता है और वो मल्टीप्लाई होता है और अच्छा मतलब वो डिजीज पूरा कंट्रोल में आ जाता है। तो दिस इज द आंसर, अंडरस्टूड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। बच्चों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आपको ये टेक्स्ट बुक में मार्क कर रहे हो, प्लीज आप पॉज करो, क्योंकि मैं अगर रुकूंगी ना बीच बीच में तो आप लोग जानते हो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं देखोगे। तो आप लोग पॉज कर दो, मार्क कर लो फटाफट, आप जैसे ऊपर एक दो पॉइंट थे ना, तो आप लोग वो मार्क कर लो फटाफट, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39, सीवेज शुड नॉट बी डिस्चार्ज इन टू द रिवर विदाउट ट्रीटमेंट, पेज नंबर 95। सीवेज शुड नॉट बी डिस्चार्ज, सीवेज मतलब सब घर का गंदा पानी और इंडस्ट्रीज का गंदा पानी, सब कुछ गंदा गंदा पानी सीधा सीधा रिवर में नहीं डालना चाहिए, तो हमें पता है, लेकिन इसका एक साइंटिफिक रीजन है ना, तो वो आपको लिखना है। अंडरस्टूड, ये तो हमें पता है कि गंदा गंदा पानी डायरेक्ट रिवर में नहीं डालना चाहिए। यस, ये आ जा भाई 95। मेरा मुंह दुखने लग गया है भाई। चलो ये है तुम्हारा आंसर, तुम लिखोगे सीवेज क्या है, पहले सीवेज इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, इफ द सीवेज इज रिलीज इन टू द नेचुरल वाटर बॉडी, नेचुरल वाटर बॉडी मतलब रिवर्स एंड लेक्स एंड एवरीथिंग, सो द ऑर्गेनिक मैटर जो उसमें है प्रेजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब सीवेज मतलब क्या है, कचरा ना, पूरा गंदा पानी, घर का सब गंदा कचरा पानी, पानी किधर जाता है, सब क्या गटर, इतना पूरी दुनिया में सब गटर ही बह रहा है क्या, नहीं भाई, कहीं जाके ये लोग नेचुरल वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं, तो वो वाटर बॉडीज में डायरेक्ट अगर मिलेंगे तो क्या होता है, वही आपको लिखना है। अगर डायरेक्ट मिलते हैं, दिस ऑर्गेनिक मैटर है ना गेट्स ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, रिवर में क्या है, वाटर में क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन है H2O, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दैट वाटर। अब ऑक्सीजन ही खत्म हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ हो गया, वो कचरे के साथ मिल गया, तो ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं पानी में, तो फिशेस बचेंगे ही नहीं, जितने पानी में ऑर्गेनिज्म तो सारे मर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द रीजन द सीवेज शुड नॉट बी यू नो थ्रोन इन टू द और पास्ड आउट थ्रू द रिवर टूवर्ड्स द रिवर डायरेक्टली। उनको क्या करना चाहिए भाई, एज अ रेमेडी द सीवेज शुड बी रिलीज इन टू रिवर्स ओनली आफ्टर ऑक्सीडेशन, मतलब वो सीवेज का अलग से तुम ऑक्सीडेशन कर लो कुछ केमिकल डाल के, तो सो दैट वो पानी में जाने के बाद ऑक्सीडाइज नहीं करेगा और वो पानी का ऑक्सीजन खत्म नहीं होगा। अंडरस्टूड, तो चलिए है भाई, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करने का, हाँ प्लीज समझ जाना, ठीक है। चलो 40,
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बेनिफिशियल टू फार्मर्स, पेज नंबर 92। यस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऊपर ही देखा था हमने। चलिए चलते हैं, चलो चले यहाँ पे है फार्मर्स को। ऑब्वियसली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब क्या बताऊं, अगर मुझे एक क्रॉप में कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स चाहिए कि ये क्रॉप का साइज एकदम बड़ा होना चाहिए, ये क्रॉप का साइज मुझे कलर, मतलब पहले जैसे कॉर्न का कलर येलो है नॉर्मली, बट मेरे को ये कॉर्न का कलर रेड चाहिए, फिर गोभी का कलर व्हाइट है, मेरे को ये गोभी का कलर पर्पल चाहिए, तो ये सब मेरे फीचर्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, सब मिलावट करके एकदम मॉडिफाई कर दूंगी, तो ऐसे क्रॉप्स को हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड। सो क्रॉप्स डेवलप विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन विद देयर जीनोम। मतलब फॉरेन जीन मतलब पर्पल कलर का कोई जीन होगा, वो जीन इस कॉलीफ्लावर के जीनोम में डाल दो, मेरे को इस कॉलीफ्लावर का साइज बहुत बड़ा बनाना है, तो वो फॉरेन जीन लो और इसके जीनोम में डाल दो। ये सब इंटीग्रेट जब हो जाता है तो सच क्रॉप्स आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब ये करने के बाद क्या हो जाता है, फार्मर्स को फायदा कैसे है, हाई यील्डिंग वैरायटीज, बहुत हाई यील्ड होता है इनका, ठीक है, रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, ये सब तो करेंगे ही भाई, ये डिजीज से बचना है, वो डिजीज से, वीड से बचना है, अल्कलिनिटी से बचना है, कोल्ड अगर है तो उससे बचना है, ड्राउट अगर है, पानी कम है तो भी बचना है, है ना, मतलब कोई क्रॉप ना खराब ही ना हो, चाहे कोई कंडीशन आ जाए, हमको एकदम तगड़ा वैरायटी का क्रॉप बनाना है, तो ऐसे क्रॉप को हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जब ये सारी चीजें से अगर शक्ति है उस क्रॉप की लड़ने की, डेफिनेटली फार्मर का फायदा है, तो दिस इज योर आंसर, अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू 41 वाला हो चुका था, मैंने बता दिया था, 42 पे सोशल हेल्थ। नाउडेज स्कूल चिल्ड्रन हैव टू डील विद मेंटल स्ट्रेस, ये तो तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता भाई, बहुत मेंटल स्ट्रेस है ना तुमको, तो क्या पेज नंबर था वे, बहुत स्ट्रेस है भाई, तुम्हारे जितना स्ट्रेस तो जिंदगी में किसी को नहीं होगा, अब तो ज्यादा ही स्ट्रेस हो गया, एग्जाम का टेंशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा भाई, इतना मत लो टेंशन, क्यों इतना टेंशन ले रहे, होगा तो भी अच्छा, नहीं होगा तो भी अच्छा, तो लीव इट ऑन द पीपल हु विल डिसाइड द पार्ट, ओके, तुम लोग इतना सोचोगे तो दुनिया क्या सोचेगी, फिर छोड़ दो भाई, इतना टेंशन मत लो, मेंटल स्ट्रेस, बच्चे आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन है, टेंशन की कमी नहीं है, आंसर में तुम अपना आंसर एकदम फेंक के आओगे, लेकिन फेंकना मत, जरा सा ये सब लिख लेना कि यस, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो एजुकेशन में भी कंपटीशन बढ़ गया है, नाउ चिल्ड्रन आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लोनलीनेस एंड मेंटल स्ट्रेस, क्यों, ड्यू टू द रीजंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली एंड पेरेंट्स स्टेइंग आउटडोर्स, बट यही रीजन नहीं है भाई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पूरा टाइम फोन में घुसे रहते हैं तो दुनिया का अता पता है नहीं, उनको लगता है हमारा दुनिया तू ही रे, मेरी दुनिया तू ही रे, सिर्फ मोबाइल फोन ही मेरी दुनिया है, बाकी कोई नहीं है भाई, है ना, तो सिर्फ मोबाइल फोन मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ एंटरटेनमेंट, मेरा पढ़ाई, मेरा सब कुछ फोन में हो रहा है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, पहले ऐसे नहीं होता था, ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा है, तो यू कैन राइट एनीथिंग यू वॉन्ट, बट या मेंशन दीज टू पॉइंट्स, ओके। 43, द इम्पॉर्टेंस ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स इज इनकम्पेरेबल, भाई मुझसे कोई पूछो आउटडोर स्पोर्ट्स का क्या है वैल्यू, 106 पे चलते हैं हम, आउटडोर स्पोर्ट्स का वैल्यू इनकम्पेरेबल है, यस इट इज इनकम्पेरेबल, लेट्स सी यहाँ पे तुम्हारा भाई, इम्पॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स इज अनपैरेलल या इनकम्पेरेबल, क्यों, बिकॉज बहुत सारे बेनिफिट्स है भाई, तुम्हारा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है, एक डिसिप्लिन बन जाता है कि मेरे को इतने टाइम को खेलने जाना ही है और मैं खेलूंगा, तो डिसिप्लिन बढ़ जाता है, इंटरैक्शन एंड टेंडेंसी ऑफ यूनिटी है ना, एक ग्रुप बन जाता है, एक फ्रेंडशिप, एक ग्रुप, एक यूनिटी बन जा रहा है तुम्हारा, लोनलीनेस अकेलापन भी दूर हो जाता, मन करता है नहीं भाई अभी चलते हैं दोस्तों के साथ बात करना है, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं, राइट, तो पर्सन बिकम्स मोर सोशल, सो यस इट इज इनकम्पेरेबल। अल्कोहलिज्म इज ऑलवेज बैड, ये तो भाई बैड है हम सब जानते हैं, तो इनके फैक्टर्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, तो यहाँ पे आपके 103 पेज नंबर पे फैक्टर्स हैं और भर भर के फैक्टर्स हैं, क्या हो जाता है यहाँ पे पूरा लिखा है भाई, पूरा लिखा है, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम इज डिस्ट्रॉयड, लिवर लाइफ स्पैन कम हो जाता है, ब्रेन डेवलपमेंट कम हो जाता है, एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन, अगर एडल्ट्स जो अडल्ट बच्चे हैं जो है ना टीनेजर्स हैं ये भी पीना शुरू कर देते हैं आजकल के सब भाई अलग ही लेवल के बच्चे हैं, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है,
तो यस, दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर. सोशल हेल्थ के आंसर्स बहुत इजी है यार, सिर्फ तुमको डिफिकल्ट जाएगा थोड़ा सा यहाँ का आंसर्स. ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली आपको लिखना है, कुछ भी हमका टिमका नहीं लिख के आना है, क्योंकि फिर तुम्हारी वाट लग जाएगी, मार्क्स नहीं मिलेगा. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ईच एंड एवरी आंसर. अगर कहीं कुछ पता नहीं चला है तो भाई जो यहाँ तक पहुंचा है बस कमेंट में लिखना कि मैम डन. तो यहाँ तक जिन्होंने पहुंच लिया है भाई, तुम लोग ने यहाँ तक के वीडियो देखा है, सब कुछ समझा है, राइट अ कमेंट डन. लेट्स सी कि कितने लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और सब ने ये आंसर्स समझा है. यू हैव मार्क द आंसर्स एंड एवरीथिंग इज डन एंड यू आर डन. यू आर गुड टू गो, गुड टू प्रिपेयर नाउ. तो नेक्स्ट ड्यूटी, नेक्स्ट वर्क इज आप इसका पूरा अच्छे से प्रिपरेशन कर लो. पूरे गिव रीजन का सेट रेडी है, मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लो बच्चों. अब इसके बाद आप कौन सा सेक्शन चाहते हो कि मैं बनाऊं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड डू लेट मी नो कि भाई मैं क्या बनाऊं. मैं एक शायद एक पोस्ट भी, पोल भी रेडी कर लूँगी, जो पोल कम्युनिटी में डाल दूंगी, तो उससे भी पता चल जाएगा कि किसको किसको क्या चाहिए. तो वो ज़रूर बताना मुझे कि नेक्स्ट में क्या बनाऊं, क्योंकि गिव रीजन्स खत्म हो गए हैं. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो. अगर पसंद आया तो भाई थोड़ा सा मेहनत का कदर करो, एक लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, इतना तीन चीज़ कर लेना. सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है, ये तो मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगी. तो धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए मुझे इतना टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. बच्चों तब तक स्टडी करते रहो, मजे करो, टेंशन ना लो, मैं हूँ, ठीक है. तो चलिए हम एंड करते हैं इस वीडियो का, आगे के वीडियोस के लिए हम तैयारी करेंगे. अब जरूर बताना क्या करना है. ओके, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय.